जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, छोटा अपडेट है लेकिन इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपने एनआरवी मुंबई में अगर अप्लाई किया था वर्क असिस्टेंट की पोस्ट पे, हम बात करें यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, तो इसके एग्जामिनेशन जो है आप सभी जानते होंगे कि अभी तक इसके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं था कि इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बात यहाँ पर नहीं हुई थी। अभी आप जानते होंगे आपका रिक्रूटमेंट नंबर, मैं आपको पहले बता दूं कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके माइंड से रिक्रूटमेंट निकल गया होगा, जो आपकी 2022 वाली भर्ती थी बीएआरसी में वर्क असिस्टेंट की पोस्ट की, इसके एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट नहीं कराए गए हैं, जल्द ही इसके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप वेट कर रहे होंगे कि इसके एग्जाम से रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कल मेरी बीएआरसी में बात हुई थी, यही जोन जो आपका है एनआरबी वाला, इसी पे मेरी बात हुई थी। मैं वो नंबर आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्या, हम वीडियो अगर ना भी ला पाए तो भी इंपॉर्टेंट अपडेट वो वहां पर शेयर कर देते हैं। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और स्टडी मटेरियल आदि की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर से चेक कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि बीआरसी का जो आपका एग्जाम कंडक्ट होना था वो कब तक होगा। तो देखिए, इन्होंने बताया कि अभी तक इसकी जो फाइल है, अभी तक इसकी फाइल जो है यहाँ पर आई नहीं है, मतलब इनके पास में कोई आदेश नहीं आया एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और इन्होंने बताया है कि अभी जैसे उसी पे काम आगे होने वाला, क्यों, क्योंकि जो पिछली रिक्रूटमेंट थी, जितने भी रिक्रूटमेंट आपके हुए थे अभी तक, चाहे वो टेक्नीशियन आदि के हो या अदर पोस्ट के भी हो, तो वह लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें लेबोरेटरी प्लांट ऑपरेटर वाला वह अलग यूनिट था जो कि ट्रांबे मुंबई महाराष्ट्र वाला था, लेकिन एनआरबी की अगर हम बात करें तो एनआरबी का आपका जल्द ही एग्जामिनेशन होने वाला है। जल्द कब होने वाला है, तो इन्होंने कहा है कि अभी लगभग 1 से 2 महीने का यहाँ पर समय जो है लग सकता है। तो आप मान के चलिए कि अगर 1 से 2 महीने के बाद भी आपकी एग्जाम डेट आती है तो विद इन 15 दिनों के अंदर अंदर यह जो है आपके एग्जाम जो है कंडक्ट करा देगी। तो आपके पास लगभग 2 महीने का पूरा समय है अभी भी। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिन्होंने बताया होगा कि अभी मार्च के लास्ट में होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है, लेकिन मेरी कल जेन्युइनली बात हुई, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी लगभग 1 से 2 महीना इस पर कोई भी काम नहीं होगा, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी आप मान के चलिए कि जून के लास्ट में इसके एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, या तो फिर यह एग्जाम जाएगा मई पे, तो तब तक आपके पास पूरा टाइम है, आप अपना टाइम अच्छे से दे सकते हो। आप सभी जानते होंगे कि एक बीआरसी की वर्क असिस्टेंट की ऐसी भर्ती जिसका पेपर इतना ईजी आता है कि हर स्टूडेंट इसमें अगर अप्लाई करे, क्योंकि कई स्टूडेंट तो ऐसे जो अदर कहीं लग चुके होंगे, उन्होंने भी इस भर्ती के बारे में छोड़ चुके होंगे, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहा है अभी तक इसके साथ बना हुआ है कि हाँ हमको इस जो एग्जाम है इसको एग्जाम को देना है, या हम असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई किया था हमको एग्जाम देना है यहाँ पर जॉब करनी है, उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी रहेंगी ये, क्योंकि लगभग अब 2 साल होते आ रहे हैं इसका एग्जामिनेशन जो अभी कंडक्ट नहीं किया गया था, तो 2 वर्ष अभी आपके हो चुके। आप जानते होंगे यहाँ पर आप मान चलिए कि 50% स्टूडेंट तो यहाँ से अभी ही बाहर हो चुके हैं। बहुत कम कट ऑफ जाएगा इसका इस बार, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिशन इसमें कम होने वाला है। तो आप तैयारी में लग जाइए, आपका एग्जाम 2 महीने के बाद ही होगा, तब तक आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं आपका जो रिक्रूटमेंट नंबर था 02/2022 वाला, और हम बात करें इसमें तो वर्क असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की पोस्ट पे वैकेंसीज जो है आई थी, और इसमें काफी स्टूडेंट ने अप्लाई भी किया था, लेकिन अभी आप जानते होंगे कि 2 साल हो चुके हैं इस बात को, तो लगभग स्टूडेंट यहाँ से बाहर हो चुके हैं, तो आपका कट ऑफ कॉम्पिटिशन वैसे भी थोड़ा कम हो गया है। आप तैयारी को अपनी कंटिन्यू कर लीजिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लिंक आपकी ओपन नहीं हो रही थी, मैंने आपको, मेरे को 2-3 मैसेज भी आए थे कि सर लिंक ओपन नहीं हो रही, तो मैं लिंक को चेंज करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आपकी ई बुक थी टॉप 3500 क्वेश्चन की, जो कि बीआरसी ईसीआईएल आदि के लिए रहेगी आपकी, मतलब की बीआरसी एनपीसीएल ईसीआईएल आदि जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इसके टॉप 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस 1500 अलग क्वेश्चन, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों इसमें इंक्लूड किए गए, और यह ईबुक काफी कम प्राइस में हम आपको दे रहे हैं, ओनली 40 रुपीज इसका प्राइस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टॉप 3500 क्वेश्चन इसके आते हैं, और आप जानते होंगे कि 20 क्वेश्चन आपको फर्स्ट एग्जाम में और सेकेंड एग्जाम में भी आपको अप्रोक्सीमेटली अगर मान के चलिए तो 20 क्वेश्चन आना है, मतलब आप यह मान के चलिए कि 80 अंक, 80 से ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, 60 अंक तो पहले एग्जाम के हो गए आपके, और इसी के साथ में
सेकेंड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस का एक बेस यहाँ पर काफी अच्छा होता है, अगर आपका साइंस अच्छा है तो आप ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इसकी ईबुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके लिए कि आपके एग्जाम होने वाले हैं, आप बिल्कुल अब तैयारी में लग जाइए पूरे जोरों शोरों के साथ। प्रीवाइजर क्वेश्चन आदि भी हमने सोल्व कराए, वो प्लेलिस्ट में, वहां पर भी आप जाके देख सकते हो। और उसी के साथ साथ अदर स्टडी मटेरियल चाहिए तो वह भी आप लिंक मिल जाएगी आपको, वह भी देख सकते हो। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर साइंस और बेसिक मैथ्स आपका कवर हो गया तो यह मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है आपका क्रैक हो गया। आपका एग्जाम जल्द होने वाला है, निश्चिंत रहिए, जल्द ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा। चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना, आगे भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।